अगर अचानक से तेंदुए शेर आ जाए तो बिल्कुल शोर नहीं करना और बिल्कुल आराम से वहीं पर लेट जाना, छुपने का प्रयास करना। थोड़ा बैठ लिया जाए थे क्या? हाँ सही है सही है सही है। हेलो जी, राम राम, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। आज की ब्लॉग में दोस्तों हम आपको इस भरका के माध्यम से अंदर ले चलेंगे और यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो आपको दिखाएंगे। काफ़ी मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में, तो आप अंत तक बने रहें और देखें इस ब्लॉग को क्या होने वाला है। कितना निर्मल पानी है, यहाँ पर वाटी प्रोग्राम कर सकते आसानी से। नीचे पानी गिरे, चाहे धूप हो चाहे ठंड हो, हर प्रकार के मौसम में यहाँ पर बाटी प्रोग्राम आसानी से हो सकता है। देखिए यहाँ पर नीचे, यहाँ पर नीचे आ जाओ, बढ़िया प्रोग्राम कर सकते यहाँ पर। बहुत ही विशाल पत्थर है यहाँ पर, यहाँ लगे सबसे अच्छे। पानी देखो पहले कितना मस्त, देखो यहाँ पर भंवर बन रही है, देख रही भंवर, पानी घूम रहा है। अब हम समझ चुके हैं सर, सावधान, आगे बहुत ही विकट क्षेत्र आने वाला है, तो परिस्थिति को देख कर चले। भारी भारी पत्थर यहाँ पर मिलेंगे, देखो आप। बन तुलसा नहीं, हमें हिंदी है शायद। पत्थर देखो पहले कितनी बड़ी बड़ी चट्टान पानी में बहा कर लाएंगे, मिलेंगे जहाँ आप जाओगे। इतने पत्थर पानी में दूर से बहा कर लाए गए, पानी की धारा देखिए कितनी शक्ति होती है। इसी प्रकार का नज़ारा आगे बहुत ही मज़ेदार आपको मिलेगा आगे, और हम चलेंगे भी, हम तीनों मित्र और हमारे। तो हेलो जी, हेलो, राम राम, हम आपको जंगल के और भीतर लेके चलते हैं। थोड़ा सा रिस्क ही रहता है, लेकिन फिर भी आपके लिए इतना रिस्क तो हम उठा ही सकते हैं, आखिर हमको ब्लॉग बनाना है। यहाँ पर शेर तेंदुआ वगैरह भी मिल सकते हैं, देख के चलना ज़रा। घने जंगल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, कुछ भी मिल सकता है यहाँ पर। यहाँ पर बारहसिंगा तो बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं, और चलो देखते हैं, हमारी किस्मत अच्छी होगी तो शायद हम लोग को भी मिल जाए। नीलगाय और तेंदुआ भी यहाँ पर पाए जाते हैं, थोड़ा सा संभाल के चलना है ना। मोटर चलने के बाद हमारे सहयोगी थक चुके हैं, और सच बताएं तो आगे डर है तेंदुआ या शेर मिलने का, वजह ये है, डर तो है, डर है, फिर भी आगे रास्ता समझ में ही नहीं आ रही। अगर अचानक से शेर मिल गया या तेंदुआ तो यहाँ से भागा तो जा नहीं सकता है, फिर हम खुद बोल देंगे भाई आ भाई शेर, जिसको खाना मुझे छोड़कर खा ले दो लोग। कुछ समय बैठ लिया जाए, पकड़ भी सका, पकड़ नहीं का दो, आजा 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 आजा, नहीं अरे पकड़ पकड़। का देख रहे हैं देखते भाई, तुमने आवाज सुनी जैसे हिरण की अलार्म कॉल आ रही हो। हम लोग जंगल में लगभग 5 किलोमीटर अंदर आ गए हैं। यहाँ पर पानी का स्रोत हमेशा 12 महीने रहता है यहाँ पर, और खास बात पानी की है, पानी जो जंगल का पानी होता है वो कई सारी औषधियों से मिश्रित होता है, तो ये पानी पाचक के साथ साथ रोगों की मुक्ति के लिए काफ़ी अच्छा है। चलो हम भी थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। देखिए कितना नज़ारा, तो भाई बहुत ही गजब है, जिसका वर्णन तो आज हम नहीं कर सकते हैं। हमारे दोनों भाइयों को हम काफ़ी धन्यवाद देंगे, जिनके सहारे हम यहाँ पर आ पाए हैं। काफ़ी थक चुके हैं, काफ़ी अथक प्रयास के बाद यहाँ पर आ चुके हैं, अभी थोड़ा सा और प्रयास करेंगे आगे चलने का। अभी कॉल आ रही थी शायद बाहर असंभव या जो भी हो, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा, चलो और देखते हैं फिर भी क्या होता है।
भाई अभी अलार्म कॉल तो आ रही थी लेकिन अभी तक तो हमको ऐसा कुछ नहीं देखा है। चलो देखते हैं आगे और बस शेर ना मिले। एक खास बात, जहां पर पानी जितना ज्यादा गहरा होगा वहां पर हल्का सा आपको स्काई ब्लू कलर का नजर आएगा। देखिए यहां पर काफी गहराई है, यहां पर माना जाता है कि कई सारे गोताखोर यहां पर आ चुके लेकिन यहां की गहराई का आज तक पता नहीं लगा पाए हैं। यहां काफी गहरा पानी है, आप उसका पानी का कलर से ही समझ सकते हो। और आगे प्रयास करेंगे और चलने का रास्ता देख रहे हैं, कहीं से यहां तो रास्ता शायद दिख नहीं रहा, इस पर से चल कर जाना पड़ेगा ऊपर काफी ऊंची। पक्का शेर मिल जाए है, ने जाओ 100% रास्ता नहीं, चलो बना के चलते हैं यहां से कहीं से। देखो ऐसे जा देख के आना है ना, थोड़ी सी झाड़ियां कटीली होती हैं और कुछ झाड़ियां जहरीली भी होती हैं। निकलते हो धीरे धीरे चलते जाओ। काहे की कॉल, रुक जाओ यार कछुआ रो ने जाओ। तो ये तरफ से मिल गया रास्ता, आ जाओ भाई रास्ता मिल गया, आ जाओ आ जाओ। हमने आखिर खोज निकाला रास्ता, डाइवर्सन है। हाँ रास्ता मिला था लेकिन आगे रास्ता फिर बंद हो गया, रास्ता ही नहीं है। हमारे साथी लोग रास्ता देख रहे हैं, में जा रहे हैं हम लोग, अदम्य साहस का हमारे साथियों के साथ हम काफी प्राउड फील कर रहे हैं। इस प्रकार के जंगल हम लोग कभी नहीं गए। देखिए रास्ता है नहीं, हम लोग बना रहे रास्ता, पता नहीं जंगल कहाँ जाएगा और हम कहाँ जाएंगे। रास्ता है नहीं फिर भी बना रहे हैं। मिल गया भाई आराम से, कहाँ गए हैं दिखा कुछ रास्ता। हाँ यार सही है, वाह बंदर दिख गया भैया, आज की जर्नी सफल हो गई। हेलो हेलो, अब कहाँ चल भगलाओ ना, तो चल यदि वहां तक पहुंच गए तो फिर रास्ता हमारे लिए मिल जाएगा। भाई हुआ क्या है कि हम लोग रास्ता भटक चुके हैं, इसके सहारे आ रहे थे आगे जाकर, इसकी वजह से रास्ता बंद हो गया। तो हम लोग यहाँ से बाजू से आए हैं लेकिन आगे जाकर रास्ता नहीं मिल रहा हम लोग को। ठीक है या तो यहाँ से चढ़ जाए ऊपर, ये खाई है लेकिन भाई यहाँ खतरे से खाली नहीं है, खड़ी चट्टान से चढ़ना कोई दिक्कत नहीं आप। चलो देखते हैं भाई कह रहे तो फिर चलते हैं। है रास्ता, कोई रास्ता नहीं भाई, कहाँ से जाओगे, झाड़ियाँ ज़्यादा हैं देख कर, लेकिन वहां से जाओ हमें लग रहा है वहां से जाना चाहिए, वहां तक पहुंच जाए। हाँ नेटवर्क भी नहीं है, किसी को कॉल कर लें ऐसा, खतरनाक आ गए आज पहली बार। धीमे धीमे आना भाई, नीचे बैठ कर आना धीरे भैया भैया। पानी में भीग जाओ इसे साजी तो हाँ ये तो हो जाए देखो सर क्या निकल रहा है यार गजब। आ जाओ मिल गया रास्ता, आ जाओ जय श्री राम। ओ ओ हट गई साइड, सही में हो, बचाओ 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 साइड को बचाओ, आपका बचा ले साइड को, फट गई सर। निकल रहा है धीमे धीमे निकल आए, अब इतना ही बैठने, अब नहीं जाने हैं शाम मुझे।
हाय, तो मिल गया आखिरकार रास्ता। यहाँ पर काफ़ी सुकून है, प्राकृतिक वादियों के बीच बैठना वास्तव में बहुत ही सुंदर है। भूख लग गई, भूख लगी यार। तो सुनो भाई, क्या हुआ, हम लोग आए थे जंगल घूमने के लिए, विचार था कि एक आध किलोमीटर अंदर जाएंगे, उसके बाद फिर लौट आएंगे। लेकिन जैसे ही अंदर आते गए और यहाँ की मनमोहक दृश्य हमारे भाते गए, फिर उनको देखने के लिए आगे हम लोग बढ़ते गए और आज यहाँ पर हम लोग आते आते लगभग 6 किलोमीटर अंदर में आ गए हैं। वही जिसको बोलते हैं भरका, है ना, पुरानी बहुत गहरी खाई टाइप की है। इसमें हम लोग यहाँ फंस भी गए, लोगों ने देखा कैसे। आ वाह, नेटवर्क भी आ गए। हेलो, तो यहाँ पर हम लोग बढ़िया बैठे हैं। चलो हम दिखाते हैं और फ्रंट कैमरा से बोल रहे, कैसा लग रहा है वहाँ साहब? गणेश, हाँ बढ़िया फील कर रहा है सर, आज आपने बहुत कुछ दिखा दिया हमारे से। बात लगाओ, कौन है जा तो बताओ। जिस रास्ते से हम लोग होकर जा रहे हैं, ये रास्ता काफ़ी खतरनाक है, लेकिन आज बहुत ही साहस कर लिया है, अब आगे तक जाकर ही छोड़ेंगे। ऊंचे पेड़ मिल जाएंगे, हालांकि ज़्यादा नहीं जाएंगे, समय का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादा जाएंगे तो लौटने में शाम हो जाएगी। चलते हैं आगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे। और अब यहाँ पर हमको एक बंदर भी मिला था भाई, हनुमान जी के दर्शन हो गए। अब शेर मिले या ना मिले कोई समस्या नहीं, हमारे लिए बंदर दिख गया, यही बढ़िया है। कमी है तो भोजन की। चलते चलते लगभग 3 घंटे हो गए हैं और सभी को लगा ही काफ़ी ज़बरदस्त भूख। पानी तो मिल गया, काश हम लोग कुछ खाने के लिए लेकर आए होते तो अभी दिन भर भी चलते। देखो पहले कितना ज़बरदस्त सीन है भाई, खड़ी चट्टान किस प्रकार से सदी है। देखो पहले कैसा लग रहा है माँ साहब? बहुत ही अद्भुत। हमारे बुंदेलखंड में सर को माँ साहब बोलते हैं, बुरा मत मानना। ये हमारे अशोक सर जी हैं जो हाई स्कूल कैथरा में गणित के अध्यापक हैं, और ये हमारे सत्यन सह जी जो पढ़ाते हैं कंप्यूटर, ये है हमारे स्कूल के कंप्यूटर ऑपरेटर। देखो भाई, आपको एक गजब की चीज़ दिखाते, इस प्रकार की चट्टानों के बीच में हल्की हल्की सी सुरंगें टाइप की होती हैं जिनमें जीव वगैरह रहते हैं, सांप अजगर वगैरह। एक यहाँ पर है, ये चट्टान की चट्टानें सदी हुई हैं, यही वाली है। चारों तरफ का जो सीन है वो देखते ही बनता है। थक भले ही गए, भूख भी लगी है, लेकिन यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर आत्मा तृप्त हो गई। हम हमारे दोनों साथियों का हृदय से धन्यवाद करेंगे जिनके आज सहयोग से ऐसी जगह से हम लोग चल के आए जहाँ से निकलना लगभग कोई नहीं सोचेगा कि भाई चलना है। ऐसे जंगल में हम लोग आए हैं, हमारे दोनों अशोक सर और सत्यन सर। शुरुआत में तो लग रहा था कि भाई ये रास्ता चलना ही नहीं, कतई जहर रास्ता, कटेलियों भयंकर कटेलियों, और सामने देखो देखो जहाँ कॉल आ रही थी किसकी, हिरण की, लग रहा था कहीं शेर ना हो, तेंदुआ ना हो, फिर भी हमारे साथ ही चलते गए। गजब, आज की इस बेजोड़ जो हमारी साहस दिखाया हमारे साथियों ने बहुत जबरदस्त था। चलिए थोड़ा सा और प्रयास करेंगे, आगे नहीं जाएंगे, समय बहुत हो गया है, 3 बज चुके हैं, और यदि ऐसा बढ़ते गए तो हम लोग शाम हो जाएगी, लौट नहीं पाएंगे घर। तो थोड़ा सा और साथियों दिखाएंगे, इसके बाद हम लोग लौट जाएंगे। चलो थोड़ा सा चलते हैं, यहाँ से फिर ऊपर से रास्ता चलेंगे, उबड़ खाबड़ रास्ता नहीं जाएंगे, ऊपर से चलेंगे। दोस्तों क्षमा कहना, हमको हिरण की कॉल आई थी, इसलिए ऐसा लग रहा था कि शायद आगे कोई तेंदुआ या फिर कोई टाइगर है, लेकिन ऐसा कुछ भी हमको देखने को नहीं मिला है। अभी और आगे चलते जा रहे हैं, यदि मिलेगा तो बताएंगे। वैसे सच बताएं, हमने ऐसा सुना था कि यहाँ पर तेंदुआ पाए जाते हैं, और जैसे हिरण की अलार्म कॉल सुनी तो हम लोग तीनों लोग डर गए थे, लेकिन अभी तक अच्छा रहा कि ऐसा कुछ भी नहीं मिला है, ना मिले, क्योंकि हम लोग पैदल हैं, वो जिप्सी वगैरह तो कुछ ऐसा है नहीं कि हम उसके सहायता से कहीं भी चले जाते हैं और कुछ डर नहीं रहता, लेकिन यहाँ तो हम लोग पैदल हैं तो काफ़ी रिस्क है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। भाई यहाँ पीछे जो बामी थी वहाँ पर सांप मैंने देखा, वहाँ पर सांप था बैठा था। चलो मिल गया यार रास्ता, वाह।
आखिर हमारे अशोक सर जी ने ढूंढ लिया नया रास्ता और हम लोग ऊपर गाय माता ही मिल गई, मतलब रास्ता मिल गया। ये देखो मिल गया रास्ता और हम खड़ी पहाड़ियाँ चढ़ाए। थक गए काफी, बहुत सीतापल। तेंदु पत्ता जो तो सेज हुआ है, कहाँ लगा सीतापल? ये तेंदु पत्ता हो, देखिए इसमें लगे हैं तेंदु, ये कहलाते हैं तेंदु। ये कब पकते भैया तेंदु? ये तेंदु तोड़ो मत, ये पके हैं का? सबूत ये पका है तेंदु, देखो ये पका, ये हल्के हल्के पीले पीले हो गए ना। पको है यार, पको है यार जो शुद्ध। वाह पका तेंदु मिल गया इनके लिए, ये भूखे ही तो लगी यार। ये लगे बहुत सारे तेंदु, कुछ खाने के लिए मिल नहीं रहा था, अब मिल गया कुछ, खा लिए पूरा केले ने। और मिले पका, ये है पका। कितनी किस्मत सही है तो ये कही है तो कुछ पूरे में कुछ तेंदु मिल चुके हैं। यह है तेंदु, इसी के पत्ते से बनती है बिड़ी, ये वाला। अब लेकिन कहा जो बिड़ी बनती है वो पत्ते नए पत्ते होते हैं। अब ये बहुत दिन से लगे, लगभग 5-6 महीने से, तो ये लगभग हार्ड सा हो गया है, लेकिन बिड़ी इसी की बनाई जाती है। तेंदु की तरफ देखो इस प्रकार ये है, बामी हर जगह मिल रही थी बार बार। ये जो वृक्ष, इसको बोला जाता है सेजो, ये सेजो का वृक्ष है। बोला ये पूरा जो जंगल है, अधिकतर पेड़ आपको मिलेंगे सेजे के। वास्तव में पहले काफी घना जंगल था, अभी भी है, आगे जाकर हम लोग नीचे आ गए हैं तो कई प्रकार के थे, लेकिन यहाँ पर जो लकड़हार थे उन्होंने सबने जंगल काट काट के खा लिया है। ये एक और वृक्ष जिसको बोलते हैं सेजो का वृक्ष, ये काफी अच्छा रहता है। इस प्रकार से बनावट बना, देखिए ये है सेजो, चारों तरफ से ढका हुआ, कोई भी छोटे जानवर है जैसे लकड़बग्घा हुआ, लोमड़ी, इसके नीचे आराम से रह सकते। देखिए ये वाला कितना जबरदस्त है, चारों तरफ से अपने आप को ढक लेता है, ये कहलाता है सेजो के वृक्ष। ये देखिए सभी तरफ, इतना कद्दू बिठा रही हूँ माला जी लगी क्या है गर्म। हमने कही थी समोसा जले भी धल ली। भाई फ़ोन की बैटरी बहुत कम बची, इसलिए बहुत कम अब वीडियो बना पा रहे हैं। हम लगभग जंगल से नीचे आ गए हैं, 1.5 घंटे का समय लगा और वहाँ से हम नीचे आ गए। ऊपर काफ़ी खड़ी चढ़ाई भी और बीच से एक जो आपको दिखाया भरका टाइप का जहाँ से हम लोग होकर गए थे, लेकिन उसके बाद जब रिटर्न आए हम लोग तो मैदानी इलाके से आए। बस आगे चल कर हमारा स्कूल है, थोड़ी देर बाद हम लोग स्कूल आ जाएंगे और इस ब्लॉग को हम बंद कर देंगे। तो कैसा लगा हम सब लोगों आपको आज की इस जंगल सफारी में? तेंदुआ दिखता लेकिन तेंदुआ दिखा नहीं, लेकिन अच्छा रहा। तेंदुआ देखा, तेंदुआ तो नहीं देखा लेकिन तेंदु देख गया और तेंदु खा भी ली, कितनी जबरदस्त बात रही। आ गया भाई स्कूल पास में, यहाँ भाई एक समझ में नहीं यार, देखो यहाँ पर ये जो हल्का सा काला सा है, हल्की सी इसमें चमक भी है, सूर्य में चमक रहा है, ये देखो ये कोई चमक है इसमें, क्या है ये? देखिए दोस्तों तो ये आ गया हमारा हाई स्कूल कैथोरा। जैसे हम स्कूल पहुंचेंगे और आज का ब्लॉग हो जाएगा ख़त्म, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का ब्लॉग कैसा रहा।
आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के ब्लॉग आपको और देखने मिलते रहे। जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार।